हुआ है और जितने भी पुराने टैक्स रिफॉर्म्स होते थे, कस्टम ड्यूटी था, एक्साइज था, या फिर आपका वैट था, सेल्स टैक्स था, इन सबको हटाते हुए सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म आया है जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉन्ग रन में तो कॉमन मैन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम फीलिंग कि अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है जीएसटी को लेके, बिकॉज अभी 3 ही महीने हुए हैं, पीपल विल नीड सम टाइम, क्योंकि थोड़ा टाइम चाहिए चीज़ों को एकोमोडेट करने के लिए। सो उस केस में एटलीस्ट 1 ईयर शुड बी गिवन फॉर टू दी पीपल सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड कि एक्चुअली है क्या, और इसके जो बेनिफिट्स भी निकलते आएंगे मुझे लगता है 1 साल के अंदर है, मतलब उससे पहले तो नहीं, और इतनी जल्दी पब्लिक भी कुछ जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है कि एकदम से ओवरनाइट कुछ हो जाए और सारी चीज़ें सस्ती हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मैम शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा जीएसटी का? एजुकेशन सेक्टर पे तो वैसे तो एग्जैक्ट एजुकेशन सेक्टर, लेकिन 12th के बाद जीएसटी है दैट टू 18%। तो जो आपका प्री स्कूल से 12th क्लास तक का जीएसटी है वहाँ पर जीएसटी उस पर नहीं है, वहाँ पर नहीं है 12th क्लास तक। और अगर मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है, क्योंकि वो एग्जेंप्शन जो है लिस्ट दी हुई है एग्जेंप्शन लिस्ट में, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है तो वहाँ पर